हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको ओडिया बहु YouTube चैनल रे स्वागत करू छी। फ्रेंड्स, आपण को स्वप्न रे केबे भगवान कर दर्शन होई छी किबा इष्ट देव किबा आपण जेउ देवी देवता को प्रिय बोली मानंती सेही मानकर दर्शन आपण को स्वप्न रे हेउ छी। जदि हेउ छी ताहाले आपण हमर एही वीडियो को निश्चय देखंतु। फ्रेंड्स, आम चैनल तरफ गूगल प्ले स्टोर रे ओडिया बहु टिप्स और हेल्थ टिप्स ओडिया दुईटी एंड्रॉइड आप लॉन्च करा जाय छी जहां आपन को पई बहुत उपयोगी हेबो। ओडिया बहु टिप्स आप रे पूजा पाठ वास्तु शास्त्र घर संसार स्त्री और पुरुष कौन करबा उचित और कौन करबा उचित नुहे एमिति अनेक विषय रही छी जहां को आपन जानि परिबे। एवं हेल्थ टिप्स आप रे अनेक प्रकार रोग विषय रे लेखा होची जेमिति कि थंडा ज्वर खासु ठारु ने कैंसर पर्यंत सब रोग केमिति होई थाए एहार लक्षण कौन होई थाए आउ एथिरु केमिति आपन सुरक्षित रही परिबे एही आप रे जानि परिबे। डिस्क्रिप्शन रे ही दुटी आप रो लिंक रखा जाय छी आपन डाउनलोड करि लेबे। फ्रेंड्स, आज मु आपन को कहिबी स्वप्न रे ईश्वर को दर्शन करबा द्वारा मनुष्य को कौन लाभ प्राप्त होई थाए, मनुष्य को एभरी स्वप्न देखिला परे कौन करबा उचित एहा विषय रे आज मु आपन को कहिबी। फ्रेंड्स, कुहंति कि आमे स्वप्न माध्यम रे आम जीवन रो इच्छा को देखि थांति। आमे केऊ प्रकार रो स्वप्न देखि थांति ताहा आम हाथ रे नथाय। आमको केऊ भी प्रकार रो स्वप्न देखि पारिबा। केबे साप आम स्वप्न रे तो केबे केबे ईश्वरीय संकेत स्वप्न देखि थांति। आमर प्राचीन ग्रंथ एवं पुराण रे मध्य स्वप्न को महत्वपूर्ण माना जाय छि। स्वप्न रे अलग अलग जिनिस पई अलग अलग अर्थ मध्य रही छि। अथर्व वेद रे स्वप्न देखिबा एवं एहार प्रभाव आम जीवन रे किपरि पड़ी थाए एहार उपरे पूरा लेखा जाय छि। सेही काल रे स्वप्न को भ्रम तथा माया माना जाय थाए। ईश्वरीय स्वप्न को भविष्य रे घटिबाकु थिबा घटना रो पूर्व सूचना बोली माना जाय। आमे समस्ते खराब समय रे ही भगवान को डाकी थांती एवं मंदिर को जाय थांती। मंदिर रे तो भगवान कर दर्शन सहज रे होई जाय किंतु मनुष्यर एही इच्छा रही थाए कि खास करी ईश्वर को केबे स्वप्न रे दर्शन हेबो बोली जहां बहुत कष्टकर काम। आपण निजे अनुभव करि पारुथिबे कि आमको स्वप्न रे घर गच्छ लता मनीष पशु पक्षी एवं मंदिर रो दर्शन मध्य होई जाय परंतु मंदिर रे विराजमान ईश्वरक दर्शन हुए नाही। स्वप्न रे आम मंदिर देखंती मंदिर को जोड़ी होई रहितबा विभिन्न प्रकार वस्तु को मध्य देखंती। मंदिर रे किछि किछि लोकक एवं मंदिर रे होउथिबा पूजा पाठ मंत्र उच्चारण आरती मध्य देखा जाय थाए किंतु आमको भगवान देखा देइ नथांती कारण ईश्वर को देखिबा सहज नुहे। एथिपई श्रद्धा भक्ति दरकार एहा द्वारा ही ईश्वर प्रसन्न होई थांती आउ दर्शन देइ थांती। जदि भी दर्शन दियंती ताहाले आम पापर निवारण होई जाय। भगवान कर दर्शन पाइबा पई प्राचीन काल रु ही जप तप उपवास तपस्या करा जाउछि। महाभारत रामायण एवं प्राचीन ग्रंथ रे भी किछि तपस्यार उल्लेख करा जाइछि जेउथिरे भगवान कर दर्शन प्राप्त करिबा पई तथा तांको प्रसन्न करिवार वरदान प्राप्त करिछन्ति किंतु सेही तपस्या सामान्य तपस्या नुहे जहाकु केओ भी सामान्य व्यक्ति करिपारिबो। एही तपस्या को वर्ष वर्ष धरि करा जाउथिला जहा कठोर तपस्या थिला एहाकु केही करि पारि नथांती। केवल अद्भुत शक्ति थिबा वाला व्यक्ति ही एही तपस्या को करिबारे सक्षम हेउथिले किंतु आजिर एही कलि युग रे मनुष्य साधारण प्रयास करि ईश्वर को दर्शन करि पारुछि। ईश्वर आम स्वप्न रे आसी आमको साक्षात दर्शन दियंतु बोली आम समस्तंकर इच्छा थाए किंतु एहा केवल पुण्यवान व्यक्ति को द्वारा ही संभव एहा मध्य एते सहज नुहे। एही कलि युग रे भगवान को दर्शन करबा सहज एथि पई आपण को सबुदिन ब्रह्म मुहूर्तरु ईश्वर को ध्यान करबा उचित ईश्वरक छवि को कल्पना करबा उचित एवं सबुबेले प्रसन्न रहिबा दरकार तो गोटे दिन आपण को ईश्वरक दर्शन होई पारिबो। स्वप्न रे जदि आपण कुलदेवी किंबा कुलदेवंकर दर्शन हुए तो एहा आपणक पई बहुत बड़ शुभ कथा। एही परि व्यक्तिक जीवन रे सुख समृद्धि एवं ईश्वरक प्राप्ति होई थाए किंतु ध्यान रखंतु भगवान आमको प्रतिपाद रे परीक्षा करिथांती किंतु आमर साथी रे भगवान सबुबेले रहिथांती आ समय आसीले आमर परीक्षा नेइथांती। यदि आपण भी भाग्यशाली आ आपण को कोनोसी भगवान कर दर्शन मिले तो अलग अलग भगवान कर दर्शन द्वारा अलग अलग संकेत मिलिथाय। एपरि माता लक्ष्मी किमा विष्णु आपण कर स्वप्न रे देखा दियंती तो एहार अर्थ आपण को धन प्राप्ति हेबो। यदि आपण को स्वप्न रे दुहे देखा दियंती तो आपण कर वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो। जदि आपण माता सरस्वती को स्वप्न रे देखंती तो आपण कर परीक्षा किंबा चाकरी रो योग मनुछि।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ବି ରୂପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସେହି ପ୍ରକାରର ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରି ସଂସାରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରଶତ୍ରୁଠାରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିନେବେ। ଆଉ ଏହିଭଳି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଉପରେ, ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।